ये मेरी जो बेड़ी है पार लंघाई है। भाई ये शब्द दिन रात इन्हां को सिमरिया है, सवेरे भी धन्यवाद दो माला जपनिया, दोपहरे भी, रात को सौण तो पहला। साडा इलाका जो रतनवीर सिंह जी दस्या सी, डेरे वाला इलाका है, ब्यासा वाला, सौदे साहब वाला, हुण ईसाई धर्म दे वल चले हुए ने। बहुत पछड़िया इलाका है, बहुत सख्त मेहनत दे नाल, बड़ी मेहनत करके दिन रात मेहनत कीती है। एक पिंड तो मैनूं गल याद आई है, साडे नाल पिंड एक जलालाबाद नेड़े गजनी वाला पिंड है। एक वीर होर नाल मेरे अमृत संचार बारे प्रचार करन चले गए। दोपहर का समा सी, एक दिन का बड़ी गर्मी सी, असी आस पास पूछया, गुरुद्वारे साहब चले गए। गुरुद्वारे की बड़ी उच्ची बिल्डिंग सी, असी पूछया रहायशी बाबे जी गुरुद्वारे साहब की ताला लग्या सी, एक दुकान सी करियाने वाली, पूछया बाबा जी का कोई फोन नंबर नाम, कहते पता नहीं सानू बाबे जी का बाबा नवा आया है। एक दो वीरां नूं होर पूछया, कहते पता नहीं सानू बाबा कितने रहिंदा है, कदों आउंदा है, कदों जांदा है। एक बीबी आ रही सी पशुआं का चारा लै के सिर के उपर चारा लई आउंदी सी, वो अमृत छकिया सी भैण ने। मैं क्या भैणे साडी गल सुनना, पट्ठे तुसीं इत्थे चारा रख दो ते उस तों बाद चुका देंगे। जी क्या भैणे, इत्थे अमृत संचार समागम असीं रख्या है जलालाबाद नेड़े, ते कोई संगत होवे साडी हैल्प कर सकदे हो। वो कहिंदी सब तों पहिलां साडे घर चलो, तुम जल पाणी छकाउणे आ। ते मेरी सस जिहड़ी है वो 70-75 साल की उम्र की है, उन्हूं कहना पहला अमृत छके उन्हूं तैयार करना है। चलो जी हुक्म मन्या, जल पानी छकिया। मेरे एक दिमाग च गल आ गई भी उन्होंने माता इन्हों को नहीं कहना मनती हुई, तानसन लैके जा रहे हैं कि कोई साखी थोड़ी हो जाए 2 मिनटा वास्ते, चलो उन्होंने सुना देंगे आप। 75 साल की उम्र है, बाबा अतन सिंह जी की साखी मेरे 2 मिनटा की सी। वाह। जो बाबा अतन सिंह जी दुआन लाते सुनते पिंडा में, 2-3 दिन पिंडा दुआन लाते, 2 दिन का 4 दिन का, फिर उत्थे अमृत संचार समागम रखते। अगले दिन अमृत संचार बन हुंदा सी, तो फिर वो टाइम तो अगे होर तरीक रखी होंगी सी, अगे जाके 3-4 पिंडा समागम करते। एक पिंड समागम रखा उन्होंने, 3-4 दिन दीवान लाए, संगत तैयार हो गई। अमृत सिंह का छकान वेले एक सिंह लेट हो गया। बाबा जी ने कहना, बाबा जी मैं अमृत पान करना है। तो बाबा जी कहना, 5 प्यारों को पूछ लें जिन्हों का उन्होंने हुक्म होएगा। पूछा गया, वह कहते नहीं, हूँ तो अरदास होने वाली है, हूँ अमृत संचार नहीं हो सकता, अगे कि पिंड होर करना, तो चलो बुला लेंगे इन्हों। जो संत होंगे ने, इन्हों दिमाग गल बिठा लेंगे, ने भुल दी नहीं। कुछ समय बाद अगले पिंड चले गए, उसे अमृत संचार समागम रखा। एक सिंह भेजा जोड़ा, वो पिछले पिंड एक सिंह रह गया सी अमृत पान करने वाला, उन्होंने बुला के लिया। 2 सिंह भेजे उन्होंने बुलाने वास्ते, उत्थे पहुंचे, उन्होंने रात को डैथ हो गई। वाहेगुरु डैथ हो गई। वो सिंगा ने आके दसिया बाबे जी ने, बाबा जी उन्होंने डैथ हो गई। कहता एक बार होर फिर दोबारा जाओ, जा सुनिया भेजो, फोन नहीं होते सी उदो। जो अरदास असी करांगे सेवा च जाके इस प्राणी की, आप अमृत संचार तो फ्री होके उधर, फिर आप अरदास मैं करा, उन्होंने कह के आम बाबा तरसिंह अरदास करूँगा।